किसी बादलों में रहने वाले पोनी के लिए ये पिच बहुत ही अच्छा था। ओ हाँ, मुझसे बेहतर कर सकती हो? मुझे पता है मैं कर सकती हूँ। कम ऑन, लगता है तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। इस खेल का मकसद है डंडे के सबसे नजदीक पहुँचना। ठीक है ठीक है, अब फेंकने की बारी तुम्हारी है। वाओ रेनबो, उम्मीद है वो किसी के सर पर नहीं गिरा होगा। हाँ हाँ, अभी भी मेरा थ्रो सबसे नजदीक है। एप्पल स्मैक, मुझे हरा कर दिखाओ। मैंने कर दिखाया। यहाँ फार्म पर ऐसे ही खेला जाता है। मैं हार गई। उदास मत हो रेनबो, ये बस एक खेल है। मुझे हारना पसंद नहीं है। उसके अलावा तुम एक बहुत अच्छी एथलीट हो। मैं तुमसे थोड़ी सी बेहतर हूँ। ठीक है एप्पल जैक, तुम्हें लगता है तुम पोनीविल की सबसे अच्छी एथलीट हो। मैं कहने वाली थी इक्वेस्ट्रिया में सबसे अच्छी, पर शायद थोड़ा ज्यादा हो जाता। मुझे लगता है मैं सबसे अच्छी एथलीट हूँ, तो चलो साबित करते हैं। साबित क्या? मैं तुम्हें एक आयरन पोनी कॉम्पिटिशन के लिए चैलेंज करती हूँ। एथलेटिक कॉन्टेस्ट की एक सीरीज जिससे हमेशा के लिए तय हो जाएगा कि कौन सबसे बेस्ट है। यू नो व्हाट रेनबो, मुझे मंजूर है। My little pony, सोचती थी क्या ही ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही, बिग एडवेंचर और मस्ती, एक ब्यूटीफुल दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी, शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी दोस्ती ये दोस्ती है पक्की। तो अब तुम दोनों क्या करने वाली हो? आयरन आयरन पोनी कॉम्पिटिशन। हम कुछ मुकाबले खेलेंगे जिससे ये तय हो जाएगा कि कौन सबसे बेस्ट एथलीट पोनी है। और मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ? मालूम नहीं, इसे यहाँ क्यों बुलाया है? ये हमारी जज बनेगी। सही कहा। किसी न किसी को तो मेरे ऑसमनेस को रिकॉर्ड करना ही होगा। हेलो एवरी पोनी, पहले एनुअल आयरन पोनी कॉम्पिटिशन में आपका स्वागत है। स्पाइक, तुम किससे बात कर रहे हो? इन सब से। मुकाबला शुरू किया जाए। रेडी सेट गो। टाइम स्पाइक 17 सेकेंड्स। मजाक कर रही हो? मतलब मैंने अपना रोडियो रिकॉर्ड तोड़ दिया? पर तुमने एक बैरल को हिला दिया जिसकी वजह से 5 सेकंड की पेनल्टी होगी। ये क्या बकवास है? फिर भी 22 सेकंड्स बुरा नहीं है। हे, तुम घबराओ मत, याद है बस एक ही खेल है, चलो शुरू हो जाओ। रेडी सेट गो। ये बहुत ही शानदार था रेनबो। थैंक्स, पर मैं तुमसे तेज नहीं भाग सकी। कितना टाइम लगा स्पाइक? 18 सेकंड्स। 18 सेकंड्स? रेनबो, तुम्हें यकीन है कि कहीं तुम कोई सीक्रेट रोडियो पोनी तो नहीं? रेनबो डैश ने बैरल वीव का मुकाबला जीत लिया। यकीन नहीं हो रहा, मैं जीत गई। हाँ, पर इसकी आदत मत डाल लेना। वाओ! अच्छी कोशिश थी, पर जरा रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ इसे वाकई कैसे करते हैं। ये कमाल है एप्पल बकी का। मैं ही क्यों? गो! एक और पोनी राइड के लिए तैयार हो? नहीं। गो! नहीं 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 नहीं! रेनबो डैश ने ब्रोंको बक मुकाबला जीत लिया। मैं हार गया।
क्या ये काउंट होगा? आधे मुकाबले के बाद हमारे कॉम्पिटिटर्स का स्कोर टाई हुआ है 5 पर। तुम किससे बात कर रहे हो? उनसे। 95, 96, 97, 98, 99 और 100। Yes। एक अच्छे खिलाड़ी की तरह पेश हो एप्पलजैक। तुम दोनों अब ध्यान से सुनो, अब यह मुकाबला आखिरी है, इसमें अपनी पूरी ताकत लगा देना। ऐसा लग रहा है वो हॉर्स इस मुकाबले को जीत लेगी। ये सही नहीं है, तुम जीतने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये चीटिंग है। तुम क्या बोल रहे हो, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा मैंने अपने कॉम्पिटिटर को मिट्टी में मिला दिया या कीचड़ में मिला दिया। क्या तुमने आधे से ज्यादा मुकाबलों में जीतने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल किया? तुम्हारे लिए तो अंगूर खट्टे ही होंगे। तुम्हारे कहने का मतलब तुमने अपने पंखों का इस्तेमाल नहीं किया? पर नहीं, ऐसी कोई शर्त ही नहीं थी। मुझे लगा था तुम पूरी ईमानदारी से खेल खेलोगी। मैं पंखों के बिना भी जीत सकती थी। साबित करो खुशी से। क्या करना होगा? कल एनुअल रनिंग ऑफ द लीव्स है, मैं तुम्हें उसके लिए चैलेंज करती हूँ। बहुत आसान है। रुक जाओ, मगर एक शर्त है, मुकाबला दौड़ने का है, इसलिए पंख का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिना पंखों के मंजूर है। चलने करो, हम रेस के लिए लेट हो जाएंगे। तुम रेस के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हो? ये सिर्फ पोनीज के लिए है। हाँ, पर मुझे दोबारा अनाउंसर बनने का मौका मिलेगा। जरा सुनो, फिलीज एंड जेंटल कॉल्स, स्वागत है एनुअल रनिंग ऑफ द लीव्स में। मैं हूँ पिंकी पाई, आपकी ऑफिशियल अनाउंसर, जो आसमान से आपको खबर देती रहेगी। सॉरी स्पाइक, मेरे ख्याल से ये काम पहले ही किसी और ने संभाल लिया। जैसा कि आप सबको मालूम है, ये दौड़ हमारी परंपरा का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि इस दौड़ के बिना इक्वेस्ट्रिया में पतझड़ नहीं आएगा और पत्तियां नहीं गिरेंगी। तो तैयार हो जाओ पोनीज। माफ करना, एक्सक्यूज मी, आयरन पोनी को आने के लिए रास्ता दीजिए। तुम्हारा मतलब नकली आयरन पोनी? ओ एप्पलजैक, तुम तैयार हो हारने के लिए दूसरी बार? मुझे ईमानदारी से खेलना पसंद है। हाँ हाँ, तुम अपने पंख इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैं ये रेस अपने दोनों पंखों को बांध कर भी जीत सकती हूँ। एक मुर्गी की तरह बांध दिया, एक मुर्गी जो उड़ नहीं सकती। बुरा मजाक था। कम से कम अब ये रेस ईमानदारी से खेली जाएगी। तो ये रेस बस 5 मिनट में शुरू होने वाली है। पिंकी पाई, हे स्पाइक, कैसे हो? और रुको, ऊपर तो मैं हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, आज तुम अनाउंसिंग कर रही हो और मुझे यकीन है तुम ये बहुत अच्छे से कर रही हो, पर मैं सोच रहा था कि क्या कुछ नहीं। स्पाइक, क्या
क्या तुम मेरी को रिपोर्टर बनना पसंद करोगी? हम साथ में मिलकर कमेंट्री कर सकते हैं। क्या सच में? ऊपर आ जाओ। ट्वाइलाइट, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं रेस में हिस्सा ले रही हूँ। अच्छा मजाक था ट्वाइलाइट। मैं मजाक नहीं कर रही। क्या तुम कोई एथलीट नहीं हो? तुम तो एक किताबी कीड़ा हो। मैं किताबी कीड़ा नहीं हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। किताबी कीड़ा? पर क्या तुमने पहले किसी रेस में हिस्सा लिया है? Well, नहीं, पर मुझे दौड़ने के बारे में पता है। और ये सब तुम्हें पता चला? किताबों से। मैंने इस बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ी। तुमने क्या पढ़ा किताबों में? भागते कैसे है? क्या तुमने वार्म अप के लिए अपने आँखों को स्ट्रेच किया? आँखों की मसल। तुम चाहे जितना मजाक उड़ा लो रेनबो, मगर रनिंग ऑफ द लीव्स पोनी विल की पुरानी परंपरा है, और मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसमें हिस्सा लेकर देखूं, तो मैं आ गई। वेल, मुझे लगता है तुम सही हो ट्वाइलाइट। गुड लक। फिनिश लाइन पर मिलते हैं कल। ठीक है पोनीज, क्या सब तैयार है? गेट सेट और रेस शुरू। रनिंग ऑफ द लीव्स की ऑफिशियल कवरेज में मैं आपका स्वागत करती हूँ। पता है स्पाइक, नाम के बावजूद पत्तियाँ सच में इस रेस में नहीं दौड़ती। नहीं, ये काम है हमारी पोनीज के लिए। क्यों? हाँ पिंकी, पोनीज के दौड़ने पर पत्तियाँ गिरती हैं। वो आलसी पत्तियाँ। मौसम के अलावा कुछ और भी तय होने वाला है। बात है रेस जीतने की और उन दो कंटेस्टेंट्स की जो इसे जीतना चाहते हैं। ये एक ग्रज मैच है। ये दोनों पोनीज इस मैच के जरिए ये तय करने वाली है कि सबसे अच्छा एथलीट कौन है। ग्रज और फज एक जैसे ही लगते हैं। हाँ सही कहा। क्या? और मुझे फज बहुत पसंद है। अगर मैं बहुत सारा फज खा लूं तो मुझे अज हो जाता है और मैं बच भी नहीं कर पाती। सो नो फज? ओह नहीं थैंक्स, मैंने पेट भर के नाश्ता किया है। अब हमारी दो तेज तरार पोनीज पर नजर डालते हैं, एप्पल जैक और रेनबो डैश। तेजी से आगे बढ़ रही एप्पल जैक और रेनबो डैश बराबरी पर कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ रही है। पर ये क्या, एप्पल जैक कोशिश कर रही है और अब उसकी नाक सबसे आगे है। मगर रेनबो डैश एप्पल जैक को इतनी आसानी से आगे नहीं निकलने देगी और अब वो आधी नाक के फासले से आगे है, या फिर तीन चौथाई नाक के फासले से। लगभग कुछ वैसा ही। एप्पल जैक को मामला समझ आ गया है और वो अपनी मजबूत वर्कहॉर्स टांगों की मदद से आगे बढ़ रही है। पंखों के बिना ये आसान नहीं है ना? कम ऑन रेनबो, इन्हें अपना कमाल दिखाओ। ओहो रुको पिंकी, रेनबो डैश सबसे आगे दौड़ के एप्पल जैक के करीब पहुंच रही है। क्या बात है, मुझे तो लगा एप्पल जैक जीत जाएगी। तुम्हें लगा मैं तुम्हें आसानी से जीतने दूंगी? यकीन नहीं हो रहा। जानती हूँ बहुत खूबसूरत नजारा है ना? नजारा नहीं ट्वाइलाइट, रेनबो डैश ने मुझे गिरा दिया। उसने नहीं गिराया। उसने गिराया। उसने नहीं गिराया। अगर तुम मेरी तरह आंखें खोल कर चल रही होती एप्पल जैक, तो तुम्हें पता चल जाता कि तुम्हें पत्थर से टकराई। क्या? ओह नहीं, अब मुझे रेनबो को पकड़ने के लिए बहुत जोर लगाना होगा। संभाल के दौड़ना। पर एक छोटी सी मुसीबत के बाद एप्पल जैक वापस आगे पहुंच गई है। वो सबसे आगे पहुंच गई है। ठीक है, सबकी चाहेगी बिल्ली का पजामा। रुको, एप्पल जैक किसी बेचारी बिल्ली का पजामा क्यों लेगी? ये तो अच्छी बात नहीं है। ओके चलिए रेस की तरफ वापस चलते हैं। इतनी जल्दी नहीं एप्पल जैक, रेस अभी खत्म नहीं हुई। ये तुम्हारे लिए है। एप्पल जैक ने मुझे धक्का दिया। तुम पोनीज को दिखाई नहीं देता। तुम इस कटे हुए पेड़ से टकरा कर गिरी हो, ये देखो। हाँ मैंने देखा, एक बड़ी सी चीटर को। रेनबो, एप्पल जैक कभी चीटिंग नहीं करेगी, ये तो बस एक एक्सीडेंट था। हाँ सही कहा, मेरा मतलब हाँ ये वाकई एक्सीडेंट था। याद रखना रेनबो, ये बस एक गेम है। हाँ पर खेल के नियम बदल गए हैं और अब मैं बताती हूँ इसे कैसे खेला जाता है। और
देखो तो बिना विंग्स का कमाल। और अब रेसर्स यूकेश्रिया के व्हाइट चेल जंगल में कदम रख रहे हैं। रेनबो अभी भी सबसे आगे है। उस चीटर ने जानबूझकर किया मेरे साथ। अभी बताती हूँ। बहुत अच्छे रेनबो। प्यारा है। Hey Rainbow, क्या तुम्हें सबसे आगे नहीं होना चाहिए? अब मैं जरूर जीतूंगी। हाँ, पर सब रेसर्स तुमसे आगे निकल गए हैं। ओह हो सेप्टस, मिलते हैं। Applejack, तुम यहाँ ऊपर क्या कर रही हो? यहाँ तो कोई पेड़ भी नहीं है। जानती हूँ, पर उस साइन पर तो यही रास्ता था। Rainbow, क्या तुम मुझे लिफ्ट दोगे? पंखों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मानना पड़ेगा स्पाइक की इक्वेस्ट्रिया की अब तक की सबसे शानदार रनिंग ऑफ द लीव्स रेस है। सबसे शानदार अनाउंसिंग के भी साथ। पर इस बार मजा दौड़ने में नहीं, दौड़ाने में ज्यादा है। गर्ल्स, मैं जानती हूँ मैं कोई एथलीट नहीं, पर क्या रनिंग ऑफ द लीव्स में रनिंग करना सबसे जरूरी नहीं है? पता है, ट्वाइलाइट सही कह रही है। तुम्हें लगता है? हाँ, अगर तुम मुझे हराना चाहती हो तो तुम्हें भागना पड़ेगा। एक बार फिर रेनबो डैश और एप्पलजैक कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ रही है फर्स्ट प्लेस के लिए। एप्पलजैक कुछ इंचेस आगे है और अब रेनबो डैश आगे है। नहीं, तुम बंद करो। शुरुआत तुमने की और अब खत्म भी मैं ही करूंगी। नहीं, तुम नहीं करोगी। ओह हाँ, मैं करूंगी। बहुत हो गया, अब सारी शर्तें खत्म। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। काफी अच्छा है क्योंकि आज मैंने पहली बार रेस में हिस्सा लिया। क्या? ये कैसे मुमकिन है? तुम तो धीरे धीरे भागकर नजारे देख रही थी। बिल्कुल, मैं बस आराम से दौड़ती रही जैसा कि मेरे किताब में लिखा था, और फिर आखिर में जब सब पोनीज थक गई थीं, तब मैं तेजी से आगे निकल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ट्वाइलाइट ने हमें हरा दिया। वेल, तुम दोनों की लड़ाई में ये काफी आसान था। तुम सही कह रही हो ट्वाइलाइट, हमारा बर्ताव बहुत बुरा था। हम अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं।
लगता है तुमने एक बहुत जरूरी सबक सीख लिया है। प्रिंसेस सेलेस्टिया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पतझड़ मेरा सबसे पसंदीदा मौसम है, इसलिए रनिंग ऑफ द लीव्स सेलिब्रेट करने आई हूँ। मैं माफी चाहती हूँ कि आपने हमें इस तरह बुरे खिलाड़ियों की तरह देखा। कोई बात नहीं एप्पल जैक, मुकाबले के एक्साइटमेंट में कोई भी पोनी ऐसा कर सकती है। यह याद रखना बहुत जरूरी है कि दोस्ती मुकाबले से कहीं ज्यादा जरूरी चीज होती है। बिल्कुल सही ट्वाइलाइट। तो अब क्योंकि तुम दोनों का ध्यान एक दूसरे को हराने में ज्यादा और पत्तियां गिराने में कम था, बदकिस्मती से इक्वेस्ट्रिया के कुछ पेड़ों में पत्तियां लगी रह गई हैं। हाँ प्रिंसेस, आपके लिए हम कुछ ही सेकंड्स में सारी पत्तियां गिरा देंगे। क्या कहती हो दोस्त, एक और दौड़ हो जाए? रेनबो डैश तैयार है।